Every time it rains pennies from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? आज सभी का स्वागत है, जहां हम पहुंचाते हैं स्वर्ग लोक की खबर आपके कान। आइए सुनते हैं आज की खास तीन खबरें। सूत्रों से पता चला है कि लुसिफर ईश्वर के कार्य में कुछ विघ्न डाल हमारी चुलबुली क्यूपिड को प्यार का दूध बनाया गया है। आज जरा बच के रहिए। दर्शकों, अभी अभी हमें सूत्रों से पता चला है कि ईश्वर कुछ नया बनाने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या और क्यों? हाँ, तो कुछ नया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईश्वर ने कुछ समय पहले स्वर्ग और पृथ्वी बनाए और अब कुछ नया बनाने जा रहे हैं। इसी विषय पे बात करते हैं हमारे आज अतिथि। कुछ भी बनाए पर मेरी तरह सुंदर और अनोखा। अरे तभी तो खाती है आप धोखा। एंजल्स वांट टू नो, आपका क्या कहना है? रुको जरा, सबर करो। सवाल क्या था? कुछ बनाने की जरूरत ही क्या है, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, क्या जरूरत है कुछ बनाने की? ओ भाई मारो मुझे, मुझे मारो। हाँ तो दोस्तों, जवाब जानने के लिए चलते हैं हमारे फील्ड रिपोर्टर के पास। अरे भाई साहब, शूटिंग चल रही है, इधर बार बार आते रहते हैं अगली बार। हाँ तो कौन, वहाँ का क्या? जी जी जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे वहाँ गॉड है। आइए कुछ चलते हैं, खुद जाते। मैं हेलो न्यूज नेटवर्क और हमें जानकारी मिली है कि आप कुछ नया बनाने वाले हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? सोच तो रहा हूं, बस आप देखते जाइए। वैसे अंधेरा बहुत है वहां, प्रकाश हो जाए। ये आवाज कहाँ से आई? आज है दूसरा दिन, तो चलिए देखते हैं आज क्या होने वाला है। पानी के बीच एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे। आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े, पृथ्वी पर हरियाली लहराए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाएं, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल लाए। दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश में नक्षत्र हों, उनके सहारे पर्व निर्धारित किए जाएं और दिनों तथा वर्षों की गिनती हो। वे पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाते रहें। जैसे कि आप जान रहे हैं, भगवान नई नई रचनाएं कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। हमें तो बड़ी मजा आ रही है, हम चाहते हैं कि आगे भी वो ऐसी रचना करते रहे।
हाँ तो फिर आज है पांचवा दिन, चलिए देखते हैं आज क्या होगा। पानी जीव जंतुओं से भर जाए और आकाश के नीचे पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगे। फलो फूलो समुद्र के पानी में भर जाओ और पृथ्वी पर पक्षियों की संख्या बढ़ती जाए। तो आज है एक नया दिन, चलिए देखते हैं अभी तक क्या बनाया गया है। उन्होंने दिन और रात बनाई, आकाश बनाया, पृथ्वी और समुन्दर बनाया, पृथ्वी पर पेड़ पौधे बनाए, सूरज चांद सितारे बनाए, पानी के जीव जंतु और पंछियों को बनाया। तो चलिए देखते हैं आज क्या बनाया। पृथ्वी नाना प्रकार के घरेलू, जमीन पे रेंगने वाली और जंगली जीव जंतुओं को पैदा किया। हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करें। हाँ तो आज है सातवां दिन, चलिए देखते हैं कि आज क्या होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ईश्वर ने सारी रचना कर ली और सातवें दिन आराम किया। आगे की खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ खेलो न्यूज़ नेटवर्क।